नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। बच्चे माँ के जिगर का टुकड़ा होते हैं। अगर इन्हीं बच्चियों को तिल मिलाकर माँ मरने के लिए छोड़ दे तो आप इसे कलयुगी माँ का नाम ही देंगे। और ऐसा ही एक मामला सामने आया है जहां एक माँ ने अपने बच्चे को मरने के लिए तिल तिल कर मरोड़ कर छोड़ दिया है। यह मामला है बलई के जंगलों का, जहां कलयुगी माँ ने ऐसा ही किया है। आप देखिए यह रिपोर्ट। आपको बता दें कि मरोड़ा गांव के पशु चराने वाले सहाबदीन व उनकी धर्म पत्नी अर्शीदा को पशु चराते समय झाड़ियों से बच्चे के रोने की आवाज आई तो उन्होंने वहां जाकर देखा तो घायल अवस्था व नग्न अवस्था में नवजात मिला। दंपत्ति ने बच्चे को गोद में उठाया और अपने घर ले आए। दंपत्ति ने अपने बच्चों की तरह लावारिस बच्चे को अपनाया और उसके घावों पर मरहम लगाने के साथ साथ उसका इलाज शुरू कर दिया। अर्शीदा ने इस बच्चे को न केवल अपनी गोद दी बल्कि इसका नाम भी अल्लाह बख्श रखने का फैसला कर लिया। दंपति ने एक बेटी होने के चलते इसे अपने बेटे के रूप में लालन पालन करने का फैसला कर लिया, लेकिन साथ ही कहा अगर जिला प्रशासन उन्हें इस बच्चे को रखने की इजाजत देगा तभी वह इसका लालन पालन करेंगे। अगर प्रशासन ने बच्चे को रखने की इजाजत नहीं दी तो वह बच्चे को उनके हवाले कर देंगे। वहीं मरोड़ा गांव के लोगों ने चाइल्ड हेल्पलाइन पर इस बारे में सूचना दी तो चेतनालय एनजीओ के पदाधिकारी मरोड़ा गांव में पहुंचे और साहिबदीन अर्शीदा से बच्चे को अपने कब्जे में लेकर इलाज के लिए अल आफिया सामान्य अस्पताल मांडीखेड़ा पहुँचाया। चेतनालय एनजीओ के पदाधिकारी नरेश कुमार ने कहा है कि बच्चे का इलाज कराया जा रहा है। बच्चे की हालत ज्यादा अच्छी नहीं है, बच्चे को नलहड़ मेडिकल कॉलेज रेफर कराया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि रूल के मुताबिक मरोड़ा गांव के दंपत्ति को बच्चा नहीं लौटाया जाएगा बल्कि इस तरह के लावारिस बच्चे को फरीदाबाद में रखा जाता है जहां पर इस बच्चे को स्वस्थ होने के बाद भेजा जाएगा। कुल मिलाकर बच्चे का इलाज सामान्य अस्पताल मांडीखेड़ा में चल रहा है। कलयुगी माँ ने भले ही अपनी कोख से पैदा होने वाले बच्चे को मरने के लिए लावारिस अवस्था में जंगल में छोड़ दिया हो, लेकिन कुदरत ने चंद घंटे बाद ही न केवल साहिबदीन व अर्शीदा के रूप में उसे लालन पालन करने वाले माता पिता दिए बल्कि उसे आगे की कार्रवाई के लिए चेतनालय एनजीओ के पदाधिकारी इलाज के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे। अब देखना यह है कि करीब दो दिन का बताया जा रहा है यह नवजात बच्चा इलाज के बाद स्वस्थ हो पाता है या फिर झाड़ियों में पड़े रहने से घायल हुआ नवजात हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह जाता है। आशंका जताई जा रही है कि यह किसी बिन व्याही माँ ने अपने पाप को छुपाने के लिए नवजात लड़के को जमाने की ठोकरों में जंगल की झाड़ियों में फेंक दिया है। अर्शीदा मरोड़ मेरा गाँव है और डाब में झाड़ में बच्चा पाया उठा के मैं ले आई और एक मेरे लड़के में तो पालना चाहूँ, पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी अच्छी हिफाजत करूंगी आगे और अल्लाह बख्शिया को नाम धरो साहबदीन मेरा आदमी का नाम जी हो अपने बच्चा से पैर रखूंगी अच्छी खुशी हुई पढ़े खूब अच्छी हिफाजत करूंगी आगे भाड़ करूंगी जैसे मैं बनेगी कोई नहीं नाराज सब राजी हैं। क्या कह रहे हैं? सुनो क्या हम पालेंगे पढ़ाएंगे लिखाएंगे हाँ शादी करेंगे दिखाऊंगी आए घायल हुए पड़ो पूरी तरह से खूब टूप टाप लगा रही हूँ आके अच्छी हिफाजत करूंगा और आपको एडमिट करवा दूंगा दाखिल आए अब ले जाएंगे अब तो हाल त्याग ज्यादा वो है गाफलित हुए पड़ो सारो हाँ सूचना दे दी टीम ही मांगना चाहूंगी आप मोल दे जाओ या मैं पाड़ूंगी पनासूंगी अच्छी देखभाल करूंगी एक लड़की लड़के लड़का नहीं है मेरे जी क्या नाम है आपका साहब दीन मैं एक भैंस चराण गए थे और ये बच्चा पड़ा था वह मैं झुंडा कुआं में झाड़ी में मैं दगड़ दगड़ जा रहे थे करहना किसी आवाज आई इनकी ची ची कर रो मैं उतर के देखा उसे देख बच्चा पड़ा फिर ये मैंने बुलाई दो औरत ये ढूंढी इसे ले आई और यहाँ हमारे भाई के बाढ़ छोरा छोरा रखना चाहते हैं हम यहाँ इनको पढ़ाना चाहते हैं और टीम बुलाए हम रखना चाहते हैं इसी तरह हम खूब बढ़े अपने बच्चे से फालतू रखेंगे इसको। मेरा नाम कयूम है मैं ग्राम पंचायत मरोड़ा का वार्ड नंबर 4 का मेंबर हूँ। जैसे हमको कल पता लगा कि मरोड़ा और बड़ी गांव के जंगलों में एक अज्ञात जो बच्चा है वो पड़ा है और हमारे गांव के साहबदीन नाम का एक व्यक्ति वहां भैंसे चरा रहा था उनको बच्चा मिला
तो एक दो गांव की औरतों ने वहां से इसके टूंड वगैरह काटे और इसको अपने साथ अपने घर ले आए। इस बच्चे को कल से ही अपने घर पर है। अभी बच्चा पूरी तरह से कांटों से और डाव वगैरह से पूरी तरह से घायल है। इसकी इसके टेटनस के इंजेक्शन भी लगवा दिए गए और हमने जो प्रशासन है उनको भी इस बारे में बता दिया गया है, क्योंकि प्रशासन के तालमेल से ही सभी काम चलते हैं। और चाइल्ड के हेल्पलाइन नंबर है जो, उनको हमने इसके बारे में अवगत करा दिया गया है। कुछ ही देर में उनकी टीम हमारे गांव में पहुंचने वाली है। तो ये जो आदमी इस बच्चे को ले कर आए हैं, ये कल से इसकी बहुत अच्छी देखभाल कर रहे हैं और इनके कोई बेटा नहीं है, इनको रखना चाहते हैं। अगर प्रशासन की अनुमति होगी तो ये इस बच्चे को रखेंगे, अन्यथा अगर प्रशासन चाहता है कि वह अपनी देखरेख में इसकी परवरिश करे तो प्रशासन के ऊपर है। अगर वो इसको देना चाहता है इनको तो दे सकता है, अगर अपने देखरेख में इसकी परवरिश करना चाहता है तो करे। देखिए, इससे बड़ा अपराध दुनिया के अंदर कोई नहीं हो सकता। जो कि जिसने भी ये जघन्य अपराध किया है, ये बहुत बुरा किया है, क्योंकि कोई भी इंसान अपनी औलाद को अपने से दूर नहीं कर सकता। जिसने भी किया है बहुत गलत किया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये इन लोगों ने बहुत ही काबिल तारीफ़ कार्य किया है, क्योंकि आजकल बहुत से लोग तो ये सोचते हैं कि शर्म के मारे इसको ना अपनाया जाए, लेकिन इन लोगों ने जो कार्य किया है बहुत ही काबिल तारीफ। इन्हें ऐसे लोगों का हमें पूरे समाज का सहयोग करना चाहिए। तो एक लावारिस बच्चे को अपनाने के लिए भी तैयार हैं। नाम नरेश है। हाँ सर, ये बच्चा हमें आज सुबह 8:15 पे सूचना 10-08 जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है उस पे हमें सूचना मिली कि एक बच्चा नवजात शिशु है जो कि झाड़ियों में मरोड़ा में किसी फैमिली को मिला है, और जिस औरत को वो मिला है उसने अपने घर पे रखा हुआ है, लेकिन उसने उसकी कोई दूसरी बहन है जिसको उन्होंने दिया है, क्योंकि उसके पास कोई बच्चा नहीं है इसलिए उन्होंने उनको हैंड ओवर कर दिया है, तो वो ही उनका देख रेख कर रही हैं। फिर हमारे पास किसी कॉलर का कॉल जाता है कि बोला है हमारे गाँव में इस प्रकार से एक नवजात शिशु पाया गया है और बच्चा जो कि यहाँ पे है, तो हम उसको क्या रख सकते हैं या नहीं। तो तब हमने उनको बताया कि बोला ऐसे हम बच्चे को रख नहीं सकते क्योंकि ऐसा रखना कानून के विरुद्ध है। हाँ, बच्चे की जो हालत है वो नाजुक है और काफ़ी चोट के निशान हैं, क्योंकि बच्चे को शायद मुझे लगता है कि बच्चा लगभग 2 दिन का होगा और उसको बिना किसी कपड़े के ही झाड़ियों में फेंक दिया गया था। इस तरह इस वजह से उसको काफ़ी जो बैक साइड है उसमें काफ़ी चोट के निशान हैं। परिवार वाले जो गोद लेने का जो उनका पूरा प्रोसेस है वो कैरा वेबसाइट है, वो ऑनलाइन उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसकी कुछ टर्म कंडीशन है, वो उनको फॉर्मेलिटीज़ हैं वो सारी पूरी करनी पड़ती हैं उसके लिए। हाँ सर, अभी मांडीखेड़ा में बच्चे का ट्रीटमेंट जो है चल रहा है, लेकिन उसको थोड़ी ज़्यादा चोट होने के कारण यहाँ पे पेडिस्टेशन नहीं मिल रहा है उसको, इसलिए लड़के लिए रेफ़र किया जाएगा अभी कुछ टाइम बाद। पुलिस को सूचना दी है, इसमें 317 का जो है मुकदमा दर्ज होगा अभी, और जो भी जिसको बच्चा मिला है उसको अभी बुलाया गया है।